हर जगह अभी बात चल रही है इंस्टाग्राम थ्रेड की, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इंस्टाग्राम थ्रेड से 20, 30, 50,000 रुपये या फिर लाख रुपए भी आराम से कमा सकते हो, वो भी इनिशियल स्टेज में। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब टिकटॉक आया था तो जिन लोगों ने टिकटॉक को इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया था, आज आप खुद देख सकते हो कोई टीवी सीरियल में आ रहा है, कोई एड में आ रहा है, कोई यूट्यूबर बन चुका है। इन्होंने अपने 50 लाख, 1-1 करोड़ के घर ले लिए, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि इन्होंने ऐप की स्टार्टिंग में ही वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। सेम एग्जांपल मैं आपको एक और दे सकता हूँ, इंस्टाग्राम रील का। जब रील नया आया था उस पर कॉम्पिटिशन कम था, जिन लोगों ने उसी टाइम स्टार्ट कर दिया था वो आज भी अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। एक चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि पैसा सिर्फ यूट्यूब से आता है, पैसा यूट्यूब से नहीं आता है। पैसा यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, मौज, टिकी, जितनी भी ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ना, छोटी छोटी एप्लीकेशन भी, वहां से भी लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस ऐप जब भी लॉन्च हुई, जब भी उसका नया अपडेट आया, उसको हमेशा टाइम पे यूज किया। यहां पे आपको क्या करना है कि अभी थ्रेड एकदम नया है, यहाँ पे अभी कंपटीशन एकदम कम है, तो यहाँ पे आप फॉलोवर, अच्छे खासे फॉलोवर एकदम जल्दी से ग्रो कर सकते हो। जैसा आप इंस्टाग्राम में हैं कि इतना जल्दी आप ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन आप थ्रेड में आराम से ग्रो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम अभी थ्रेड को पुश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्विटर से वहाँ पे कम्पीट कर रहा है, तो जो भी वहाँ पे ऑडियंस आ रही है ना, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पुश दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक ऐसी कैटेगरी फाइंड करनी है जिसमें लार्ज ऑडियंस वहाँ पे उसमें इंटरेस्ट रखती हो। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप अगर कार की वीडियो डालोगे तो कार वाली ऑडियंस आएगी, अगर बाइक की वीडियो डालोगे तो बाइक वाली ऑडियंस आएगी। मतलब आप एक स्पेसिफिक टॉपिक डालोगे ना, तो आपके पास उसी टाइप की ऑडियंस आएगी। और अभी यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव नहीं है, बहुत कम लोग एक्टिव है। मतलब ऐसे तो 100-200 मिलियन लोग एक्टिव है, लेकिन YouTube और Insta के कंपेयर में अभी लोग वहां पे कम एक्टिव है। अब देखिए, धीरे धीरे वहां कंपनियां भी जुड़ रही है, आपको कोलैब भी मिलेगा, लेकिन कोलैब आपको कब मिलेगा? जब आपके अच्छे खासे फॉलोवर होंगे। अब आप देखिए, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से फॉलोवर वगैरह मत बढ़ाइएगा, वरना आपको कोई भी प्रमोशन वहां पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि थ्रेड पे अभी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इंस्टाग्राम की टीम अभी थ्रेड पे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो आपको यहां पे कौन सी कैटेगरी फाइंड करनी है? आपको एंटरटेनमेंट कैटेगरी पे यहां पे काम करना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट कैटेगरी ऐसी है ना, चाहे क्रिकेट वाला बंदा है, चाहे फुटबॉल वाला बंदा है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे बिजनेसमैन है, उस कैटेगरी में सारे बंदों को इंटरेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहां पे भी आपको फनी क्लिप मिलती है, आपको बहुत सारी गूगल पे साइट मिल जाएगी, फनी क्लिप डाउनलोड करोगे ना, बहुत सारी आपको फनी क्लिप, मीम वगैरह यहां पे मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम से भी कोई पेज में जाके जो नए मीम आए हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके, क्रॉप करके, आपका टैग लगा के, या टैग नहीं भी लगाओ तो क्रॉप करके यहां पे आप डाल सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप थ्रेड में मान लो कोई टेक्स्ट पोस्ट करोगे, कोई वीडियो डालोगे, कोई यहां पे आप मीम डालोगे, तो पॉसिबिलिटी यहां पे क्या होगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा पुश मिलेगा। क्यों? वही वाली बात कि अभी ये ऐप इनिशियल स्टेज में, और इनिशियल स्टेज में कंपनी यही चाहती है कि जितने भी बंदे यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा पुश करो। तो आपने अगर इस चीज का फायदा उठा लिया ना, देखिए टिकटॉक पे भी आप फायदा नहीं उठा पाए थे, वो बंद हो गया था, रील पे भी आप फायदा नहीं उठा पा रहे हो, आप यूट्यूब पे भी नहीं उठा पा रहे हो, शॉर्ट्स पे भी नहीं उठा पा रहे हो, लेकिन आप थ्रेड पे आराम से उठा सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लिप वगैरह डाउनलोड करनी है डेली की, आप 3-4 पोस्ट करो, आप 1 महीने अगर आपने लगातार काम कर लिया ना, आप खुद देख लेना आपके फॉलोवर अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। और जैसे आपके फॉलोवर 400-500 हज़ार की रेंज में आ गए और आपने वही काम कंटिन्यू रखा, पोस्टिंग वाला, डेली वगैरह पोस्ट करते गए, तो आपके वो फॉलोवर आपको पता भी नहीं चलेगा कब 10,000-15,000 हो जाएंगे। और जब आपने 1,000 का थ्रेशोल्ड पार कर लिया, जैसे आपके 2,000-5,000 फॉलोवर होने लगे थ्रेड में, कंपनी आपको खुद अप्रोच करेगी। बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, अपने बायो में आपको अपनी एक बिजनेस ईमेल आईडी डाल देनी है, मतलब बिजनेस मतलब कोई भी एक ईमेल आईडी डाल देनी है जो आपके फोन में लॉगिन हो। आपके जैसे ही फॉलोवर बढ़ेंगे ना, आप मानोगे नहीं, कंपनी आपको खुद वहां पे बोलेगी। आपको पता है रील पे जिनके 1 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक के फॉलोवर होते हैं ना, वो 5-5, 10-10 लाख रुपए यहां पे चार्ज कर लेते हैं 30 सेकंड की रील बनाने के लिए। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया 15-20-50 हज़ार, वो तो आपके कहीं टच भी नहीं होंगे। अगर आपके 10-20-50 हज़ार फॉलोवर भी यहां पे थ्रेड में हो जाते हैं, जो कि आसानी से हो जाएंगे, अभी ये नया प्लेटफॉर्म है, तो यहां पे आपके इतने फॉलोवर भी हो गए ना, तो कंपनी आपको 5-10 हज़ार रुपए तो आराम से दे देगी। तो अगर आपके पास 4 कंपनी भी आती है 5,000 वाली, तो आपके 20,000 तो आराम से हो गए केवल 4 पोस्ट के, या वो 4 आपसे कुछ भी करवाती है, 4 आपसे वीडियो डलवाती है, 4 फोटो डलवाती है, 4 टेक्स्ट डलवाती है, जैसे टेक्स्ट वाला है ना थ्रेड, तो 4 टेक्स्ट के भी यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। बस आपको क्या चीज करनी है, एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी को पकड़ो, फनी क्लिप्स हो गए, फनी मीम हो गए, फनी आपको जोक हो गए टेक्स्ट फॉर्म में, वो पोस्ट करना शुरू करो। 1-2 महीने में ही आपकी थ्रेड से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम के जो नए अपडेट हैं AI से रिलेटेड वो देखने हैं, तो ये वाली वीडियो पे आप टैप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आई बटन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता देना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी।